Good morning, class. I am going to start exercise 1.1, and the first question is fill in the blanks. The first fill in the blanks is 1 lakh equals to dash 10,000. 1 lakh mein kitne 10,000 honge? In the last video, I told you 1 lakh mein kitne zero hote? 1 lakh mein 5 zeros hote. Dekhiye likha hai 1, 2, 3, 4, 5 again. Ye kitna hai? 1 lakh. लेकिन अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग सोचें 10,000, तो पहले हमने 10,000 को अलग कर दिया. 10,000 में कितने जीरोस होते हैं? 4 जीरोस. और यहाँ कितने हैं? 5. तो 10,000 को अलग कर दिया, बचा कितना है? 1 जीरो. 1 जीरो के लिए आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट मींस कि 1 लाख इक्वल्स टू कितने 10,000 होंगे? 10,000. सेकेंड इज 1 मिलियन. 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स? लास्ट वीडियो में क्या बताया था? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स. और 10 लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो. 1 crore. 1 crore में कितने जीरोस होते हैं? 7 जीरोस. अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले. अगर 7 जीरोस है तो काउंट कर लीजिए इसको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इट मीन्स ये 1 करोड़ है. अब पूछे गए 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होते हैं, तो हम पहले 10 लैक को अलग करेंगे. 10 लैक में कितने जीरोस होते हैं? मैंने बताया था कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज 10 लैक. और यहाँ कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये आएगा. इसको यहाँ लिख देंगे 10 लैक. 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियन? 1 करोड़ में ही बताया था 7 जीरोस होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 करोड़ है. और मिलियन किसके इक्वल होता है? मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है. तो हमने मिलियन की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? 10 लाख. ये 1 मिलियन है. और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 जीरोस हैं, यहाँ पे भी 7 होने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और एक जीरो और आ गया, इसलिए यहाँ क्या फिट कर देंगे? 10. 1 मिलियन इक्वल्स टू सिंपल है, 10 लाख होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज 10 लाख. और यहाँ सिर्फ लैक है, तो लैक को अलग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. 1 लैक में 5 जीरोस होते हैं, यहाँ बताया था. और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक. ओके क्लास, थैंक यू.